हेलो यूट्यूब, आज हम लोअर ट्रायंगुलर किसी मैट्रिक्स का जो लोअर ट्रायंगुलर है उसको उसके जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करना देखेंगे। मैट्रिक्स का सिंपल एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। एक मैट्रिक्स है जिसमें लोअर ट्रायंगुलर है 4, लोअर ट्रायंगुलर में आता है आपका 8, लोअर ट्रायंगुलर में आता है और 7 लोअर ट्रायंगुलर में आता है। तो इस एलिमेंट को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ये 4, 7, 8 को प्रिंट करना देखेंगे। तो इसे हमें प्रिंट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, इंट मेन। मेन फंक्शन डिक्लेयर करने के बाद पहले एक एरे मैट्रिक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले 2 डायमेंशनल एरे दे देते हैं, ए 3x3 का एरे दे दिए। इसके बाद आई और जे दे देते हैं फॉर लूप के लिए। फिर प्रिंट एफ मैसेज देते हैं, प्रिंट एफ इंटर में एलिमेंट, मैट्रिक्स एलिमेंट इंटर करने के लिए मैसेज दे दिए। और फिर फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ये हम रो के लिए दे दिए आउटर फॉर लूप। और इनर फॉर लूप देते हैं जे कलम के लिए, तो जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। अब स्टोर करेंगे, स्टोर करने के लिए हम सबसे पहले जो एलिमेंट इंटर करेंगे उसके लिए मैसेज देते हैं, और कौन से पॉकेट में इंटर हो रहा है उसको भी डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए हम देते हैं मैसेज, प्रिंट एफ इंटर एलिमेंट्स इन पॉकेट परसेंट डी कॉमा आई कॉमा जी, स्कैनएफ परसेंट डी कॉमा एम परसेंट ए आई। ये मेरा सिंपली जो एलिमेंट है उसको हम इंटर करवा दिए और उसको प्रिंट कर देते हैं पहले हम। तो प्रिंट एफ इज, और यहाँ एक लाइन ब्रेक दे देते फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। प्रिंट कर देते हैं, तो प्रिंट एफ परसेंट 2D कॉमा ए आई और जी। प्रिंट करने के बाद एक रो के बाद लाइन ब्रेक लगेगा, तो लाइन ब्रेक के लिए हम सिंपली लेसन दे देते हैं आउटर फॉर लूप में। सिंपल ये हो गया मैट्रिक्स को इंटर करना, इनपुट करना और उसको प्रिंट करना। अब क्या करेंगे हम, पहले इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप देख सकते हैं 0 0 पॉकेट में, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 1 दे दिए, फर्स्ट रो सेकंड कलम 2 3। ये एक रो जैसे ही खत्म हो गया, आप देख सकते हैं रो का जो संख्या है वो 1 हो गया, और फिर 0 कलम 4 5 6 7 8 9। इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं, सिंपली इसको उठा के कॉपी करने के बाद इसको हम प्रिंट में ही लाते हैं, सिंपल पेस्ट कर देते। अब हमें जो एलिमेंट निकालना है हमें सबसे पहले प्रिंट करना है 8 को। तो 8 को हम इसमें से 8 को रहने देते हैं, 7 को प्रिंट करना है 7 को, 9 को प्रिंट नहीं करना है तो 9 को हम हटा देते हैं इसमें से, 9 को हटा दिए। 7 और 4 को प्रिंट करना है तो 6 और 5 को हटा देते हैं, हम 6 5 को हटा दिए और ऊपर से ये 3 हटा देते हैं। तो प्रिंट करना है हमें किसको, तो 4 7 और 8 को, लोअर ट्रायंगुलर को। अब यहाँ कॉमन जो मेन देखने का चीज क्या है, आप देख सकते हैं सिंपली रो मेरा हमेशा ही कलम से बड़ा है। रो का जो वैल्यू है यहाँ आप देख सकते हैं, रो का वैल्यू 1 है तो कलम का वैल्यू 0 है। फिर रो का वैल्यू 2 है तो कलम का वैल्यू 0 है। रो का वैल्यू 2 है, कलम का वैल्यू 1 है, यानी रो ऑलवेज ग्रेटर देन कलम। जब रो कलम से बड़ा होगा तो वहां पे क्या होगा, मैट्रिक्स प्रिंट कर सकते हैं हम आसानी से मैट्रिक्स के लोअर ट्रायंगुलर को। लोअर ट्रायंगुलर ऑलवेज प्रिंट होगा क्या, जब बड़ा होगा रो। हम इसको फिर से देख लेते एक बार,
यहाँ प्रिंट करते हो आप, इसमें आगे आगे के जितने एलिमेंट है आप उसमें चेक कर सकते हैं, किसी में भी रो कलम से भरा नहीं है। रो कलम से कब भरा है, जब क्या है मेरा सिंपली लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट में जो वैल्यू है उसी कंडीशन में रो कलम से भरा है। तो इसको प्रोग्रामिंग में आते हैं सिंपल, हम क्या करेंगे फिर से फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन थ्री आई प्लस प्लस, फॉर जे इक्वल टू जीरो जे लेस देन थ्री जे प्लस प्लस। अब यहाँ कंडीशन लगाते हैं इफ आई ग्रेटर देन जे, जे से अगर बड़ा हो तब प्रिंट परसेंट फोर डी स्पेस के लिए दे देते हैं फोर, चार स्पेस रहेगा और प्रिंट करना है किसको, तो ए आई जी को, और ऊपर में हम मैसेज दे देते हैं प्रिंट इफ लोअर ट्रायंगल वैल्यू, ऐसे एंटर देते हैं और इसको रन करेंगे, देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देख सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर वैल्यू मेरा क्या था, 4 7 8 4 7 8, फिर से चेक कर लेते हैं 4 7 8, तो लोअर ट्रायंगुलर वैल्यू यहां पे 4 7 8 प्रिंट कर दिया, लोअर ट्रायंगुलर वैल्यू जो है उसको 4 7 8 प्रिंट हो गया। सिंपली हमें जो मेन ध्यान देने की चीज है, कभी भी जब भी लोअर ट्रायंगुलर प्रिंट करेंगे तो कभी भी कलम का वैल्यू रो से बड़ा नहीं होगा, यानी रो ऑलवेज ग्रेटर देन कलम, इस बात को ध्यान रखने से ही आसानी से आप लोअर ट्रायंगुलर को प्रिंट कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।